नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट में न्यू नोटिस निकल कर आई हुई है, चलिए जान लेते हैं उस नोटिस में क्या बातें बताई गई और कहां पर आई हुई। सबसे पहले आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लेटेस्ट नोटिस का ऑप्शन ओपन कर लेना। चलिए लेटेस्ट नोटिस का ऑप्शन ओपन कर लेते हैं और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऊपर आएंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिस लिस्ट ऑफ स्टेशन फॉर पंचायती राज ऑफिस। आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नोटिस आई है। चलिए इस नोटिस को हम डाउनलोड कर लेते हैं, पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए इसको हम डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। एकदम आप लोगों को बता दें, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी नोटिस कुछ इस तरह की दी गई है। यहाँ पर दिया गया है संग्रहालय नवादा, उसके बाद जिला पंचायती राज शाखा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर अधोलिखित शर्तों के अधीन कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है। आपकी ज्वाइनिंग की लिस्ट यहाँ पर पब्लिश कर दी गई है, आप लोग अपना अपना नाम चेक कर लीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रम संख्या आपकी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो भी मेरिट का वो नंबर दिया गया है, जिस आईडी नंबर पे आपका नाम था, इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। नीचे आते जाएंगे तो चलिए नीचे चलते हैं। टोटल 6 पेज का ये PDF दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और नीचे आ जाएंगे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 201 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया है ज्वाइनिंग लिस्ट में। और हम आपको बता दें यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ नियम एवं शर्तें इनकी दी गई है, जिससे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि चयन प्रथम 1 वर्ष के लिए होगा, आवश्यकता अनुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है। योगदान के समय निम्न हार्डवेयर लगेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी हार्डवेयर दिए गए हैं, इन हार्डवेयर के साथ आपको ज्वाइनिंग में पहुँचना है तो आप इनको साथ में लेकर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख पा रहे हैं दिया गया है योगदान के समय अपना सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं एक फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यानी कि जब जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, तो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डुप्लीकेट कॉपी दोनों साथ में लेके जाना है, और साथ में आपको एक फ़ोटो युक्त क्या है कि प्रूफ भी लेना है। और चौथे पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है कि नियोजित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा मानदेय होगी, जो कि आपकी सैलरी है 11,445 रुपये, और कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि दे नहीं होगी। जो भी आप कंप्यूटर हार्डवेयर ले जाएंगे उसके लिए उनकी तरफ से कोई भी राशि नहीं दी जाएगी, और इसमें लगने वाली कंज्यूमर आइटम पेपर और टोनर आदि की आपूर्ति कार्यालय कराएगा, बट जो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का बिल आएगा उसे आपको देना पड़ेगा जो भी आप यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं पाँचवें नंबर पर दिया गया है कि कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, अगर आपके द्वारा वहाँ पर कुछ असंतोषजनक वर्क आप करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर पहले से ही नोटिस दे दिया गया है। और छठे नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा, यानी कि गवर्नमेंट आपको समय समय पर जो भी छुट्टियां मिलती हैं, जो गवर्नमेंट छुट्टियां होती हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। और सातवें नंबर पे आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है कि नियोजित अभ्यर्थियों का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, इस आशय का एकरनामा नियोजन के समय प्रस्तुत करना होगा। आप लोग को पता है यहाँ पर पहले से दे दिया है कि आपको एकरनामा वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, और साथ में ये कहना होगा कि हम गवर्नमेंट के लिए कोई भी मांग नहीं करेंगे, जैसे कि आप लोग आगे चलकर ये मांग नहीं कर सकते कि ये जॉब आप हमारी गवर्नमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले से कर दिया गया है कि आप परमानेंट नहीं हो सकते हैं। और आठवें नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है यदि संविदा अवधि समाप्त के पूर्व इनका अवधि विस्तार नहीं होता है तो उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दे दिया गया है पहले से ही। नौवें नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं सभी चयनित अभ्यर्थी सूचना प्रति के 15 दिनों के अंदर एकरनामा के साथ जिला पंचायत कार्यालय नवादा में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोगों की नोटिस आज आई हुई है, तो आज से आप 15 दिन के अंदर अंदर जाकर ज्वाइनिंग करेंगे आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दे दिया गया है कि जिला पंचायती कार्यालय में आपको 15 दिन के अंदर अंदर जाकर ज्वाइनिंग कर लेनी है। वहाँ पर आप सभी जो हार्डवेयर्स दिए गए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनका नियोजन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा, और अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो आपका जो नियोजन है स्वतः अपने आप रद्द हो जाएगा। और 10वें नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सिविल सर्जन नवादा के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा। जब आप योगदान करने जाएंगे, यानी जब सभी डॉक्यूमेंट्स और हार्डवेयर्स लेके जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका स्वास्थ्य प्रमाण भी लगेगा, तो आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बनवा कर लेके जाना है। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।